और वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत कर दी है। राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ाने IIMR से MOU भी किया गया है। वर्चुअल मीटिंग में IIMR के डायरेक्टर डॉक्टर विलास ए तोनापी और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर दयाकर राव भी शामिल रहे। देश विदेश में कोदो कुटकी रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को इस दिशा में एक नई पहचान भी मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को मिलेगा रोजगार। इन फसलों के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। राज्य निर्माण के बाद अब से पहले तक न तो इन फसलों की ओर किसी ने ध्यान दिया न ही इन्हें बोने वाले किसानों की किसी ने सुध ली। हमारी सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे अब लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी। परसों कैबिनेट की बैठक में इन लघु धान्य फसलों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की वन धन समितियों के माध्यम से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी शोर थमता नहीं दिख रहा बल्कि अब तो इस पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आंदोलन की बात भी कह दी है। बस्तर के चिंतन शिविर के बाद शुक्रवार को रायपुर में भी हुई बैठक में धर्मांतरण के मसले पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बेशक सिर्फ 14 विधायक ही हों लेकिन 15 साल सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी ये बखूबी जानती है कि छत्तीसगढ़ में सियासत की नब्ज क्या है। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा हथियार बना लिया है। पहले बस्तर में चिंतन शिविर और अब शुक्रवार को रायपुर में हुई बैठक के बाद धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने अपने तेवर जता दिए। इतना ही नहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी दो टूक कर दिया कि धर्मांतरण के मसले पर बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की कार्रवाई चल रही है। ये सरकार कहती है कि रिपोर्ट लिखाए, हमको बताए, हम कार्रवाई करेंगे। जब यहाँ पर 4 तारीख को आवेदन दिए और 4 तारीख को आवेदन दिया गया बस्ती के लोगों के द्वारा, 5 तारीख को जाकर के उनको बताई गई, 6 तारीख को हलफनामा दिया गया और किस प्रकार के उनको आवेदन देंगे तो कार्रवाई होगी, ये सीधा सीधा उनको धर्मांतरण नहीं मतांतरण करने वाली सरकार है कि पहले धर्मांतरण करो फिर मतांतरण करो। उधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण की हजारों शिकायतें लंबित हैं लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करवाने में लगी हुई है। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारी CRPC की धारा 153 के अंतर्गत, IPC की धारा 295 के अंतर्गत जो भी लोभ लालच देकर धर्मांतरण करवाता है वो अपराध करता है। और 4 तारीख को रायपुर की घटना के मामले में SP को वहां के 15 नागरिकों के द्वारा शिकायत की गई और उस शिकायत के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई मसला ही नहीं है या यहाँ धर्मांतरण के कोई केस सामने आए ही नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर जिस तरह बीजेपी इस पर आक्रामक दिख रही है उसके पीछे छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी भी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म को मानने वालों की आबादी 2,38,19,789 है जो कि कुल आबादी का 93.25% है, जबकि मुस्लिम की आबादी 5,14,998 है जो कि कुल आबादी का 2.02% है। वहीं अन्य धर्मों को मानने वाले 4,94,594 लोग हैं जो कि कुल आबादी का 1.94% है। इसी तरह ईसाई धर्म को मानने वाले 4,90,542 लोग हैं जो कि कुल आबादी का 1.92% है। इसी तरह बौद्ध धर्म को मानने वाले 70,467 लोग हैं जो कि कुल आबादी का 0.28% है। वहीं सिख धर्म को मानने वाले 70,036 लोग हैं जो कि कुल आबादी का 0.27% है। वहीं जैन धर्म को मानने वाले 61,510 लोग हैं जो कि कुल आबादी का 0.24% है।
तो इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी की नजर एक बड़े वोट बैंक पर है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि गाय और गौशाला जैसे बीजेपी के पारंपरिक मुद्दों पर कांग्रेस की हाईजैकिंग के बाद अब धर्मांतरण के जरिए ध्रुवीकरण का कार्ड खेलकर 2023 में बीजेपी कमबैक के मंसूबों को पाल रही है। टीम न्यूज स्टेट। रायपुर में बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में 20 दिनों के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अमन सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रोजाना कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर तक आयोजित होंगे। बूथ स्तर तक नमो ऐप और सेवा कार्य बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। और ये पोस्ट कार्ड बूथ स्तर में लिखने की काम होगा। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक 17 तारीख से सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन के हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होगा। इसका पूरी तरीके से नीचे स्तर तक क्रियान्वयन के लिए हम लोग बैठ रहे हैं और उसके बाद 12 के बाद हर जिले में बैठकर इसका दिन के कार्यक्रम बन जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बस्तर दौरे के बाद रायपुर लौट आए हैं, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के चिंतन शिविर को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर नहीं है, बस यहां मजाक हो रहा है। चिंतन शिविर के नाम पर कार्यकर्ता और बीजेपी नेता सिर्फ डांस कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी को अगर असल में प्रदेश की चिंता होती तो इस शिविर में दिखाई देती। मैं वही कह रहा हूं ना, बस्तर में चिंतन शिविर कर रहे हैं। अगर 15 सालों तक बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को चिंता और चिंतन किए होते तो आज चिंतन करने की नौबत नहीं आती। आज बस्तर में चिंतन शिविर होता है, मगर बस्तर के किस मुद्दों को उन्होंने चिंता की है? बस्तर के आदिवासियों के बारे में, नगरनार स्टील प्लांट बिख रहा है उसके बारे में चिंतन किया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके नाच गाने सोशल मीडिया में सब आपने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ 3-स्टार होटल में मौज मस्ती करने गए थे और कुछ नहीं, चिंता और चिंतन करते हो तो यही स्थिति नौबत नहीं आती।